दोस्तों आज का टॉपिक है कि आप अपने गार्डन में नीम ऑयल का यूज़ क्यों करें और इसका यूज़ करने का तरीका कैसे है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसलिए जो अपने गार्डन में केमिकल का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है नीम ऑयल। नीम ऑयल का जो सॉल्यूशन है उसके तैयार करने के लिए आपको लेना है नीम ऑयल, जो कि एक ऑर्गेनिक है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। उसके साथ आपको लेना है किसी भी लिक्विड सोप, और अगर आपके पास अच्छा हो तो हर्बल सोप होने से अच्छा है, मेरे पास हर्बल सोप नहीं था। और इस तरह का एक पॉट लीजिएगा, बाद में मैं इसका यूज़ आपको बताऊँगा। और इस तरह का एक स्प्रे बोतल लीजिएगा, मेरे पास 2 लीटर का स्प्रे बोतल है, आप चाहे तो 1 लीटर या 5 लीटर का स्प्रे बोतल यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास जो सामान है उसी से काम चलाना होगा आपको। और इसके साथ जो और एक मेन सामान आपको लेना है इंग्रेडिएंट्स, वो है लाइट वार्म वाटर। दोस्तों एक 2 लीटर का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको लेना है 2 लीटर वार्म वाटर, 10 ml नीम ऑयल एंड 4 ml लिक्विड सोप। इसका जो क्वांटिटी है इसी अनुपात में रहेगा, चाहे वो आपका 1 लीटर हो या 4 लीटर हो तो आप बढ़ा दीजिएगा या कमा दीजिएगा, लेकिन इसका जो परसेंटेज रेशियो है इस तरह रहेगा फॉर 2 लीटर वाटर। देखिए दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि मैं लिक्विड सोप यूज़ करना नहीं चाहूँगा, देखिए अगर आप इसमें लिक्विड सोप ऐड नहीं करेंगे, देखिए जो नीम ऑयल है वो पानी के साथ ठीक से घुलेगा नहीं। देखिए नीम ऑयल पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है, मतलब कि वो पानी के साथ नहीं घुल रहा है, इसलिए आपको लिक्विड सोप आपको इसमें ऐड करना ही करना है, नहीं तो वो पानी के साथ सॉल्यूशन नहीं बनेगा। देखिए लिक्विड सोप देना है आपको, 2 लीटर पानी में देना है 4 ml ओनली और 10 ml नीम ऑयल। देखिए लिक्विड सोप डालने के साथ साथ जो घुल है, जो सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और हम जब इसमें उसको लीव्स में स्प्रे करेंगे प्लांट में, तब क्या करेगा वो नीम ऑयल के साथ सोप मिलके एक कोटिंग बना देगा पत्ते के ऊपर। और इस तरह कोटिंग पत्ते के ऊपर बनने के कारण जो इंसेक्ट इसको खाने के लिए आएगा वो उसको नहीं खा पाएगा, लेकिन केमिकल में क्या होता है वो पत्ते को खा लेता है और खाने के बाद वो मर जाता है। इसका जो हैचिंग है वो हैचिंग को भी और लाइफ साइकिल को भी इफेक्ट करता है, इसलिए वो टिक नहीं पाते। और जब भी स्प्रे कीजिएगा याद रखिएगा कि आपको पानी को थोड़ा रूम टेम्परेचर में लाना है, मतलब कि वार्म पानी स्प्रे नहीं करना है। मेरे हिसाब से नीम ऑयल का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि सपोज कि आपके पास एक नींबू का प्लांट है और उसमें बहुत सारा फ्लावर खिल चुके हैं, जिसमें से आपको फ्यूचर में फ्रूट मिलने वाला है, उस दौरान आपके प्लांट में किसी तरह का अगर कोई फंगस अटैक हो या तो कोई मिल्डू अटैक हो या तो एफिड्स का अटैक हो, इस तरह से अटैक होने से आपको कुछ स्प्रे करना है। इस दौरान अगर आप अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे करता है तो क्या होगा, जो पॉलिनेटर्स होता है वो पॉलिनेटर्स को वो इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि जो बीज बटरफ्लाई जो एक फ्लावर से बैठ के दूसरे फ्लावर में जाते हैं जिसके कारण हम लोगों को प्लांट में फ्रूट मिलते हैं, उन लोगों का कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन केमिकल में क्या होता है, जो पॉलिनेटर्स होता है उनको भी इफेक्ट आ जाता है, इसलिए आपका फ्रूटिंग का जो चांसेस है वो घट जाएगा, फ्रूट आपको कम मिलेगा। इसलिए फ्रूटिंग प्लांट में ऑलवेज ट्राई टू स्प्रे नीम ऑयल। और इस तरह आप सभी प्लांट में इस तरह का कोटिंग कर दीजिए। अगर आपका प्लांट इफेक्टेड प्लांट है तो 7 दिन में एक बार कीजिए, अगर आपके प्लांट में कोई इफेक्ट नहीं है, अच्छा प्लांट है, फिर भी आप 15 दिन का अंतर एक बार कीजिए, ताकि इसमें किसी तरह का इफेक्ट या अटैक ना हो। हो सके तो पत्ते के नीचे भी कीजिए तो अच्छे तरह से, तो उसका रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है विंटर गार्डन पार्ट 9। अगर विंटर गार्डन का सीरीज़ का आपने अभी तक वीडियो देखा नहीं तो शुरू से लेके वो सीरीज़ का हर वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 9 में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे डालिया के ऊपर, कि डालिया को कब ज़्यादा फर्टिलाइजर देना है, कब कम फर्टिलाइजर देना है और कब स्टॉप करना है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।